हेलो फूडीज, वेलकम टू रैश फूड बुक। मैं हूँ रश्मि। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी, शेजवान राइस। नाम से लगता है कि बहुत ही हाई फाई डिश है, बहुत टफ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर लेफ्ट ओवर राइस बचे हुए हैं तो उन्हें यूटिलाइज करने का बेस्ट तरीका है, और अगर नहीं भी बचे हैं तो थोड़े चावल पकाओ एंड बनाओ यार, एक बार ट्राई करना तो बनता है, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। सो बिना टाइम गवाते जल्दी से स्टार्ट करते हैं शेजवान राइस बनाना। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक बड़ी सी कढ़ाई, उसे अच्छे से गर्म होने देंगे एंड इसमें हम डालेंगे 5-6 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। आप ऑलिव ऑयल या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को भी अच्छे से हीट होने देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप्ड गार्लिक, 1/2 कप। गार्लिक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे एंड फाइनली चॉप्ड जिंजर 3 टीस्पून, अदरक थोड़ा कम रखा है यहाँ पे, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज 8-10, ये भी अब आपके स्पाइसनेस के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसे अच्छे से सौते करेंगे ताकि जिंजर और गार्लिक दोनों का जो फ्लेवर है ऑयल में आ जाए और उसका कच्चापन भी चला जाए। अब हम डालेंगे इसमें डाइस्ड ऑनियन 1 कप एंड उसे भी थोड़ा सौते करेंगे। अब जाएगी इसमें हमारी वेजीज। अब यहाँ पे आपकी मन पसंदीदा जो भी वेजीज है वो डाल सकते हैं। मैं आज ये सभी डाल रही हूँ। कैरेट 1 कप, बीन्स 1/2 कप, कैप्सिकम 3/4 कप, और ग्रीन पीस मटर 1 कप। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे कुक होने देंगे। हमें बस जो सब्जियां हैं उनका कच्चापन दूर करना है, उसे एकदम ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है एंड ताकि हमारी कुकिंग का प्रोसेस भी फास्ट हो जाए। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, इससे सब्जियां जल्दी पक जाएंगी। सॉल्ट डालते वक्त आपको थोड़ा ध्यान देना है कि एकदम ज़्यादा सॉल्ट ना डालें। हम इसमें आगे शेजवान चटनी, शेजवान मसाला दोनों डालने वाले हैं, तो उसमें भी बहुत सॉल्ट होता है। तो लीजिए, हमारी जो वेजीज हैं वो अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारी शेजवान चटनी, 4 टीस्पून शेजवान चटनी। सही बोलें तो जितना भी शेजवान चटनी डालो कम ही लगता है, मैं तो आधी बॉटल ख़त्म कर डालती हूँ। अब हम डालने वाले इसमें हमारा की इंग्रेडिएंट जो कि पूरा फ्लेवर लाने वाला है, हमारे शेजवान फ्राइड राइस मसाला। मैं यहाँ पे 4 पाउच यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मेरी राइस की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो एक एक करके हम 4 पैकेट शेजवान राइस मसाला के भी डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे एक बार और फिर डालेंगे हमारा राइस। अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे 1 kg राइस। ये पहले से कुक किया हुआ राइस है
और गरम गरम राइस ना डालें, ठंडा राइस डालना, नहीं तो वापस में पूरे चिपक के एकदम लम्स फॉर्म कर देंगे। और अगर लेफ्ट ओवर राइस है तो बेस्ट होती है, बट ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आप लेफ्ट ओवर राइस भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्रेशली कुक्ड भी, बस ठंडा करके डालिएगा, गरम गरम नहीं डालना है। अब आता है हमारा टफ सेक्शन, जिसमें कि हमें हमारी अच्छी खासी एक्सरसाइज होने वाली है, इतने सारे चावल को अब मिलाना है। जी हाँ, सिर्फ मेरे लिए टफ एक्सरसाइज है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, बट आप नॉर्मल क्वांटिटी में करेंगे तो इजीली हो जाएगा। एकदम अच्छे से प्रॉपरली मिक्स करें ताकि शेजवान चटनी और जो मसाला था वो हर जगह इवनली पहुंच सके राइस में और एकदम अच्छा टेस्ट आए। सो क्योंकि मेरे राइस की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी तो मैं इसे थोड़ा देर ढक के भी पका रही हूँ ताकि हर जगह इवनली वो राइस में मसाला का फ्लेवर आ सके। बट अगर एकदम कम क्वांटिटी में तो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगता, आप तुरंत अच्छे से स्टर फ्राई जैसा करके तुरंत सर्व कर सकते हैं। तो मैं इसे 5 to 10 minutes ऐसे ही कुक होने दूंगी मीडियम फ्लेम पे। लीजिए हमारा शेजवान राइस एकदम रेडी है, बस से लास्ट में ऊपर से गार्निश कर देते हैं स्प्रिंग अनियन से। एंड गर्मा गर्म इसे आप सर्व कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, जल्द आऊँगी अपने एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।